गुड़ला क्षेत्र के राजपुरा में कोबरा सांप की जानकारी होने पर गुड़ला से बद्रीलाल माली के द्वारा फोन पर सूचना मिली कि राजपुरा गांव में घर में काला सांप कमरे में मौजूद है। वहां पर लोग डरे हुए हैं। इस पर भीलवाड़ा से 27 किलोमीटर दूर राजपुरा गांव तुरंत वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत टीम के साथ पहुंचे और वहां पर कमरे में सर्च करने पर कोबरा नाक सांप दिखाई दिया। इस पर उसे वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करके पुनः वन क्षेत्र में जीवन यापन के लिए छोड़ा गया। इस सांप की ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि सांपों से दूरी बनाए रखें और बारिश का सीजन आने की वजह से सावधान रहें। आपकी सावधानी आपकी सुरक्षा है। कोबरा सांप की एक बूंद से 20 से 25 लोगों की मृत्यु हो सकती है। अगर समय पर उपचार न मिले तो कोई भी मर सकता है। तो ये मुझे दुख हो रहा है कि यार रात को सांप घुसा और मैं सुबह इसको परेशान रात भर में हो चुका है और मैं सुबह लेने आया हूँ। तो मैं कहने वाला हूँ रात को 12 बज रही हो 2 बज रही हो आपको समय नहीं देखना है कि ये फिक्स टाइम नहीं है। सुबह 10 से 6 बजे तक ही काम होगा। 24 आवर्स है ये वन्य जीवों के लिए कार्य हो रहा है। पहले कार्य को समझिए कि किसके लिए हो रहा है। ये वन्य जीवों के लिए कार्य होता है तो ऐसा कभी भी हो जाता है। तो उसी समय रात की 2 भी बज रही हो तो चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं, डरना नहीं है। वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारा मिशन है, हमारा जीवन इनको समर्पित कर चुके हैं। तो रात की 2 भी बजी हो तो आपकी तो 10 ही बजी थी, रात को ही फोन कर देते हैं। ऐसी तकलीफ नहीं सहनी है, डरना नहीं है। मनुष्य को मारने, बदला लेने या कोई पुराना कर्जा मांग रहा हो यह सब प्रथा गलत है। किसी मनुष्य को खाने के लिए सांप नहीं आता है घर में। चूहों की तलाश में बारिश का सीजन चालू हो गया है तो भीलों से निकल के ये चूहों की तलाश में अपना भोजन करने के लिए आबादी क्षेत्रों में आते हैं।